हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, दिस इज विनोद पारी। फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो व्यूअर्स रिक्वेस्ट पर है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि कम टू नो के बारे में एक वीडियो बनाएं। क्या होता है ये कम टू नो, इस वीडियो में जानेंगे हम। और इसके अलावा एक और बोनस एक्स्ट्रा आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब लेकर आए हैं जिसका नाम है गेट टू नो। हम इस वीडियो में दोनों को ही जानेंगे, कम टू नो और गेट टू नो। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके समझते हैं। पहले कम टू नो, बाद में गेट टू नो, ठीक है। तो पहले कम टू नो के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली कम का मीनिंग होता है आना, नो का मतलब होता है पता है या किसी को जानना, ठीक है। लेकिन जब हम किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं तो वो फ्रेजल वर्ब कहलाता है। और फ्रेजल वर्ब कहलाने के लिए इसका मीनिंग होता है पता चलना या पता चला है, प्रेजेंट में, पास्ट में पता चला, फ्यूचर के लिए पता चलेगा। आपने कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोले होंगे, मुझे पता चला है, मुझे पता चलता है, मुझे पता चलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इसका इंग्लिश में मीनिंग देखते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग है, इट इज लिटररी वे ऑफ सेइंग फाइंड आउट, लर्न और डिस्कवर ए फैक्ट। यानी एकाएक आपको किसी इंफॉर्मेशन के बारे में या किसी सच के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात पता चलना कम टू नो होता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है, आई केम टू नो दैट सिमरन गॉट मैरिड लास्ट संडे। यानी मुझे पता चला है या मुझे पता चला कि पिछले संडे को सिमरन की शादी हो गई, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, I have come to know that you are going to Mumbai. मुझे पता चला है कि तुम मुंबई जा रहे हो। यानी आपको एकाएक किसी के लिए कोई बात पता चली कि वह मुंबई जा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड एग्जांपल है, She came to know about his affair. यानी उसको उसके अफेयर के बारे में पता चला या पता चल गया, ठीक है। चौथा एग्जांपल, How did she come to know that? यानी उसे कैसे पता चला। और एक भी सेंटेंस बना सकते हैं इसी में, हाउ डिड शी कम टू नो अबाउट माई एक्सीडेंट। यानी उसे मेरे एक्सीडेंट के बारे में कैसे पता चला, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई वंडर हाउ शी कम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट मी। मुझे आश्चर्य होता है कि उसे मेरी हर चीज के बारे में कैसे पता चल जाता है। आप यहां पर आई वंडर के जगह पे आई एम सरप्राइज भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, वन डे यू विल कम टू नो द रियल वैल्यू ऑफ हर। एक दिन तुम्हें उसकी सही कीमत या असली कीमत पता चलेगी, पता चलेगी, फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है, हाउ डू यू कम टू नो अबाउट माय एक्टिविटीज। यानी तुम्हें मेरे कामों के बारे में कैसे पता चल जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट एग्जांपल है, डोंट वरी दे विल नॉट कम टू नो अबाउट दिस। यानी आप किसी से कह रहे हैं कि आप घबराएं मत, टेंशन ना लें, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे विल के साथ नॉट का इस्तेमाल किया गया है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं गेट टू नो क्या होता है। गेट टू नो भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका इंग्लिश मतलब होता है टू बिकम एक्वेंटेड विद समवन और समथिंग। यानी किसी व्यक्ति या किसी चीज से परिचित होना या किसी व्यक्ति या किसी चीज को जानना, ठीक है। इसके हिंदी मतलब को देखते हैं, किसी को जानना, एक दूसरे के बारे में जानना या किसी व्यक्ति या चीज से परिचित होना। मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। मान लीजिए आप किसी शादी में गए, वहां पे आपने किसी व्यक्ति से मुलाकात की और उससे परिचित हुए और उस व्यक्ति को आपने जाना। इस सिचुएशन में आप गेट टू नो का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल्स हैं, उनसे समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, वी मेट ऑन ए फ्लाइट टू मुंबई एंड गॉट टू नो ईच अदर। यानी हम मुंबई जाने वाली फ्लाइट में मिले और एक दूसरे को जाना या एक दूसरे से आप परिचित हुए, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा एग्जाम्पल, यू शुड गेट टू नो ईच अदर बिफोर गेटिंग मैरिड। यानी शादी करने से पहले आपको एक दूसरे को जानना या एक दूसरे से परिचित होना जरूरी है या आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड एग्जाम्पल है, इट टूक ऑलमोस्ट ए ईयर टू गेट टू नो दिस सिटी। यानी इस सिटी को आप कहीं रह रहे हैं तो उस सिटी को
जानने के लिए या उससे परिचित होने के लिए आपको लगभग एक साल लगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई शुड गेट टू नो हर बेटर, मुझे उसे और बेहतर समझना या उसे और बेहतर जानना या परिचित होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। वंस यू गेट टू नो हिम यू विल एंजॉय हिज कंपनी, यानी आप किसी व्यक्ति से कह रहे हैं कि एक बार जब तुम उसको जान लोगे या उससे परिचित हो जाओगे तो उसकी कंपनी को यानी उसके संग को एंजॉय करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल है। वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर विद द ईच पासिंग डे, यानी हम हर गुजरते दिन के साथ एक दूसरे को बेहतर जान रहे हैं या एक दूसरे से बेहतर परिचित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम टू नो और गेट टू नो दोनों का मीनिंग और यूज समझ में आ गया होगा। अपने रेगुलर कन्वर्जेशन में इनका इस्तेमाल करें, प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।